प्रो कबड्डी के 11वें सीजन में 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 18 मैचेस खेले जा चुके हैं। एंड आइए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन से हैं 10 डिफेंडर्स जिनके पास सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स है। अब वीडियो के मेन टॉपिक में बढ़े इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने फेसबुक पे नया पेज क्रिएट किया है, अभी इनिशियल ग्रोथ नहीं हुआ है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सपोर्ट दिखाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दे देने वाला, वहां भी आपको कॉन्टेंट्स देखने को मिल जाएंगे, तो अपना सपोर्ट दिखाइए, कबड्डी फैन के साथ इस पेज को भी शेयर कीजिएगा। नंबर 10 के साथ शुरुआत करते हैं, तो टॉप 10 डिफेंडर्स के लिस्ट पे नंबर 10 पे बेंगलुरु बुल्स के सौरभ नंदल है। राइट कॉर्नर के डिफेंडर सौरभ नंदल, वैसे तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिसेंट ही था, परफॉर्मेंस के बदौलत टीम नहीं जीत पा रही है। 4 मुकाबले में 10 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है एंड एक भी हाईफाई नहीं स्कोर है। नंबर 9 की बात की जाए तो इन्हीं के कॉर्नर पार्टनर बेंगलुरु बुल्स के नितिन रावल है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर है। इनका भी आंकड़े बिल्कुल सेम है, 4 मुकाबले खेले, इन 4 मुकाबले में 10 टैकल पॉइंट स्कोर किया है एंड एक भी हाईफाई स्कोर नहीं है। नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पे तमिल थलावास के साहिल गुलिया है। लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर साहिल गुलिया ने 3 मैचेस खेले, इन 3 मैचेस में इन्होंने 11 टैकल पॉइंट स्कोर किए एंड इन 11 टैकल पॉइंट्स में एक मुकाबले में हाईफाई भी इन्होंने स्कोर किया है। अब जैसे कि आपको पता है कि आज सुपर संडे है, आज के दिन 2 बड़े मैचेस खेले जाएंगे। अगर आपको आज के मैचेस फ्री में लाइव देखने हैं तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहां पे मैचेस के लिंक प्रोवाइड कर देने वाला हूं। बस ट्विस्ट ये है कि आपको VPN का यूज करना होगा, तभी मैचेस के लिंक काम करेंगे। इंग्लिश कॉमेंट्री हो गए, तमिल, तेलुगु सभी कॉमेंट्री के लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देने वाला हूं एंड जितने भी PKL के अपडेट्स हो गए वो भी शेयर किए जाएंगे। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, ये लिंक जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पे बंगाल वॉरियर्स के मयूर कदम है। पटना पायरेट से आ चुके बंगाल वॉरियर्स में राइट कवर के डिफेंडर है एंड पिछले मुकाबले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने स्कोर किया, हाई फाई स्कोर किया एंड 3 मुकाबले में इसी के साथ इनके 11 टैकल पॉइंट्स हो चुके हैं। नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पे तमिल थलावास के नितेश कुमार है, एक नया नितेश कुमार जो कि राइट कॉर्नर का नहीं लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर है, एज ए सब्सिट्यूट टीम में आते हैं एंड टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। 3 मुकाबले में 11 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर कर दिया जिसमें एक हाईफाई भी शामिल है। नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पे भी एक और कॉर्नर का डिफेंडर है जो कि सोमवीर गुलिया है। गुजरात जायंट्स के सोमवीर गुलिया जो कि राइट कॉर्नर का डिफेंडर है, 2 मैचेस खेल लिए, इन 2 मैचेस में इन्होंने 11 टैकल पॉइंट स्कोर किया है एंड 2 के 2 मैचेस में हाईफाई भी जड़ा है। तो सोमवीर अभी फिलहाल काफी अच्छे फॉर्म में है, ये फॉर्म इनको कंटिन्यू रखना होगा। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पे सुल्तान फजल अतराचली है, बंगाल वॉरियर्स के कप्तान, बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर, 3 मैचेस खेले, इन 3 मैचेस में 11 टैकल पॉइंट स्कोर किया है जिसमें एक मुकाबले में हाईफाई भी इन्होंने स्कोर किया है। तो फजल अतराचली अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छा दे रहे, टीम के लिए मुकाबले भी जीतवा रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक्सेल 11 ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपनी फैंटेसी टीम क्रिएट करो और पैसे कमाओ, ये स्पेशल क्यू है, इस पे आपको लोवेस्ट कमीशन देखने को मिल जाएगा जो कि 5% है, बाकी फैंटेसी ऐप से कंपेयर किया जाए तो 15% तक है, लेकिन आपको यहाँ पे 5% का कमीशन मिलेगा सभी कबड्डी मैचेस में। लोएस्ट एंट्री फीस भी आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप ज्यादा सेव कर सकते हो, ज्यादा विन कर सकते हो। PKL 11 का स्पेशल लीडर बोर्ड भी चल रहा है, अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप करते हो तो आपको थाईलैंड का ट्रिप और भी सारे ट्रिप्स मिलेंगे, आईफोन्स मिलेंगे, टेक प्रोडक्ट्स आप जीत सकते हो, कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो आज के जो 2 मैचेस होने वाले हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम तमिल थलावास के बीच में एंड दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में, इसमें आप अपनी टीम बनाइए एंड पैसे अर्न करना स्टार्ट कीजिए। मेरा प्रोमो कोड खेल कबड्डी यूज कीजिएगा जिससे आपको 100 रुपीज का बोनस मिलेगा, उस 100 रुपीज से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाइए एक्सेल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ टॉप 3 की तरफ बढ़ चुका है। नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पे अमन अंतिल है, पुणेडी पल्टन के नए लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर अमन अंतिल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 मुकाबले में 14 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है जिसमें एक हाईफाई भी शामिल है। तो अमन अंतिल अच्छे फॉर्म में है, शादलू की कमी अभी फिलहाल पुणेडी पल्टन की टीम में नहीं खल रहा है, पुणेडी पल्टन की टीम बैक टू बैक मैचेस जीत रही है। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे सुमित सांगवान है जो कि यूपी उद्धास के लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, इनका भी फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, 3 मुकाबले में 14 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है जिसमें एक हाईफाई भी है। तो सुमित सांगवान भी काफी अच्छे फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं एंड इसी के साथ नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे गौरव खत्री है, पुणेडी पल्टन के राइट कॉर्नर के डिफेंडर, पिछले सीजन भी काफी अच्छे फॉर्म में थे, इस सीजन और अच्छे फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे, 18 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर कर लिया 4 मुकाबले में जिसमें 2 हाईफाई भी शामिल है। तो
तो गौरव खत्री अभी लीडिंग डिफेंडर है जिसमें सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट स्कोर किया है 18 मैचेस कंप्लीट होने के बाद। आपका फेवरेट डिफेंडर क्या टॉप 10 के लिस्ट में है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा। एना सुपर संडे है, दो मैचेस खेले जाएंगे, पहला मुकाबला जयपुर तमिल तलावास के बीच में, दूसरा मुकाबला यूपी गुजरात के बीच में खेला जाएगा। आपको क्या लगता है मुकाबले कौन सी टीम जीत सकती है कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा। अब टॉप 10 डिफेंडर्स का वीडियो देख लिया तो टॉप 10 रेडर्स का भी वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पे देखने को मिल जाएगा, नहीं तो अभी आपके स्क्रीन पे वीडियो शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियोज में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।